अगर आप लोग भी कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को हम अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे। यहाँ से शेयर पर जाने के बाद आप लोग को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। यहाँ से देख लीजिए पिक्सआर्ट को, पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद आप लोग को ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद हम उस पिक को ऐड कर लेंगे जिस हम पहले से ही पिक को कटआउट कर ले हैं। अगर आप लोग को कटआउट करना नहीं आता होगा तो बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा कैसे HD में कटआउट करें। इस पिक को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से ऐड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिएगा। बढ़िया से एडजस्ट करने के बाद आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग भी बढ़िया से एडजस्ट करिएगा सही से। इसके बाद आप लोग को इरेजर पे जाना है। इरेजर पे जाने के बाद आप लोग इस इरेजर वाले पर क्लिक करके हार्डनेस इसका कम कर ले जाओ, ऐसे साइज हल्का सा बढ़ा के हल्का हल्का आप लोग को कर लेना है बस। इसके बाद आप लोग को यहाँ से सेव कर लीजिएगा। उसको सेव करने के बाद आप लोग को ड्रॉ पे जाना है। यहाँ से ड्रॉ पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, ब्लैक कलर को चूज कर लेना है। यहाँ से देख लीजिए ब्लैक कलर को। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसका हार्डनेस 0 पे कर दीजिएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप लोग उस वाले पर करिएगा, इसका हार्डनेस 0 पर कर लीजिएगा। ब्रश का साइज अपने हिसाब से, ब्रश का साइज फुल रखिएगा, ऑपेसिटी 24 या 25 पे रखिएगा। उसके बाद आप लोग को देख लीजिए सेटिंग इसका, देख लीजिए आप लोग सही से। उसके बाद आप लोग को शैडो बना लेना है इसका। इसके बाद हम अपने पिक को यहाँ से सेव कर लेंगे। पिक को सेव कर लेंगे यहाँ से ड्रॉ में जाकर, फिर 3 डॉट पे उसका सेव इमेज से क्लिक करके सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद आप लोग को लाइट रूम में ओपन करना है। यहाँ से हम अपने पिक को लाइट रूम ओपन कर लिए हैं। चलिए हम लाइट रूम ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ से अपने पिक को लाइट रूम ओपन कर लिया है। लाइट रूम ओपन करने के बाद आप लोग को लाइट वाले पर जाना है। इसका एक्सपोजर बढ़ा दीजिएगा, कंट्रास्ट भी हल्का सा बढ़ा दिए, हाईलाइट घटा दीजिएगा, शैडो बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद आप लोग इसका वाइब्रेंस हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को मिक्स पर जाना है। मिक्स पे जाने बता आप लोग इसका सेचुरेशन हल्का सा बढ़ाइएगा, रेड वाले का ह्यू हल्का सा कम करिएगा। उसके बाद आप लोग को ऑरेंज पे जाना, ऑरेंज का सेचुरेशन हल्का कम, ल्यूमिनेंस बढ़ा दीजिएगा, ह्यू हल्का सा कम कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को येल्लो पे जाना है। येल्लो का ह्यू -100 तक रखिएगा, सेचुरेशन हल्का सा बढ़ाइएगा, ह्यू भी ल्यूमिनेंस भी हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ग्रीन पे जाना है। ग्रीन का सेचुरेशन 0 कर दीजिएगा, 0 नहीं करिएगा, ग्रीन का करना है आप लोग को सेचुरेशन। उसको ह्यू भी 0 कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को इस ब्लू वाले पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप लोग इसका सेचुरेशन कम कर दीजिएगा, ह्यू भी कम कर दीजिएगा। अब ब्लू पे जाना है, ब्लू का भी सेचुरेशन कम कर देना है, ह्यू भी कम कर देना है। उसका भी इसका भी सेचुरेशन आपको 0 रखना है, इस वाले को भी 0 रखना है। उसके बाद डन कर दीजिएगा। इसको डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने वाले लोग इसका क्लियरिटी हल्का बढ़ाइएगा, विजेंट हल्का सा कम कर दीजिएगा, सेक्सर भी हल्का सा कम कर दीजिएगा। उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेंगे।
यहाँ से सेव करने के बाद हम अपने पिक को स्नैपसीड में ओपन करेंगे। यहाँ से स्नैपसीड ओपन करने के बाद आप लोग को टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को सिलेक्टिव को ले लेना है और फेस पे कर लेना है आप लोग को, जहाँ ब्लैक होगा। ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ाइएगा, अपने फेस के हिसाब से रखिएगा। इसके बाद आप लोग को टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को HDR स्पेस पे जाना है। इसके बाद आप ब्राइटनेस हल्का सा कम करिएगा। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर उस वाले ऑप्शन पे जाना है। उस पर जाने के बाद आप लोग को बी एडिट्स पे जाना है, उस पर HDR स्पेस पे, उस पर ब्रश वाले पे। उसके बाद आप लोग को इस वाले क्लिक कर देना है। इसको मान इसका जीरो रखिएगा आप लोग, 25 या जीरो तक। तो बस आप लोग को फेस और बॉडी पे करना है। इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इस पिक को हम फिर से पिक्सआर्ट में ओपन करेंगे PNG लगाने के लिए, सनलाइट PNG। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यही PNG है, इसको आप लोग बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिएगा। ब्लेंड पे जाना, स्क्रीन पे कर देना है, इसको बढ़िया से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसको सही पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फिर टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को फिर एडजस्ट पे जाना है। उसके बाद आप लोग इसका क्लियरिटी बढ़ा दीजिएगा आकर, यहाँ से क्लियरिटी पे। उसके बाद इसको यहाँ से फिर सेव कर लेंगे। फिर आप लोग को ड्रॉप पे जाना है। ड्रॉप पे जाकर फिर उसी तरह सेव कर लेना है आप लोग को।